कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जलंधर के जाने माने कॉलेज HMV में पहुंच चुके हैं, जहां पर आपको बहुत सी हसीनाएं मिल जाएंगी। तो चलिए यहां के बच्चों से बात करते हैं और देखते हैं उन्हें कैसा लगता है ये कॉलेज। आइए मेरे साथ। तो चलिए सबसे पहले इनसे पूछते हैं, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम जानवी है। और आपकी कौन सी क्लास है? मैं +1 कॉमर्स। ओके, तो ये +1 कॉमर्स है, जूनियर से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये। तो आपको इस कॉलेज में सबसे अच्छा क्या लगता है? मेरे को सबसे अच्छा ना टीचर्स जो स्टडी करवाते हैं ना, वो सबसे बेस्ट है, बिकॉज शी इज़ अ वेरी फ्रेंकली फॉर स्टूडेंट। ओके, बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मेरे को अकाउंट्स लगता है। वैसे मुझे अकाउंट्स बहुत मुश्किल लगता था। नहीं, जैसे टीचर समझा रही है उस हिसाब से मेरे को अच्छा लग रहा है। अगर टीचर बेस्ट ना होते शायद मेरे को भी ना लगता। बात तो है, शायद सब्जेक्ट का पढ़ाना थोड़ा टीचर्स पे भी मैटर करता है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं और देखते हैं हम बाकियों को क्या अच्छा लगता है इस कॉलेज में। आइए मेरे साथ। मेरा नाम चरणप्रीत। आपकी क्लास? BVOC कॉस्मोस एंड थर्ड। ओह माय गॉड, कभी मेरा भी मेकअप कर देना। ज़रूर ज़रूर आइए आप भी। अच्छा, तो आप बताइए मुझे, आपको इस कॉलेज में सबसे अच्छा क्या लगता है? लाइब्रेरी, AC में बैठना, और सर्दियों में हॉस्टल ग्राउंड बैठना धूप में अच्छा लगता है। हॉस्टल की जो रेड चेयर्स है वो भी अच्छी लगती हैं, पर हमें वहाँ से उठा दिया जाता है। वो हॉस्टल वालों के लिए ना शायद, इसलिए शायद मे भी। और कंटीन, कंटीन तो सबको अच्छी लगती है भाई। इतना रश तो मैं कहती हूँ क्लासेस में नहीं होता जितना कंटीन पे होता है। वैसे कंटीन में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको फिर? स्प्रिंग रोल्स। स्प्रिंग रोल अच्छे लगते हैं इनको। ठीक है, आपका नाम? जैसिका। और आपकी क्लास? +1 कॉमर्स। क्या बात है, एक बार फिर से हम +1 कॉमर्स वालों से मिल रहे हैं। तो आपको इस कॉलेज में सबसे अच्छा क्या लगता है, जो आपको लगता है कि नहीं मुझे कॉलेज जाना चाहिए? अटेंडेंस। अटेंडेंस पूरी कराने के लिए और फ्रेंड्स के लिए। हाँ, अटेंडेंस का चक्कर तो सबको है, उसके लिए लगता है कि नहीं बस कॉलेज जाना चाहिए। और आपको? आपका नाम क्या है? बनीप्रीत। और आपकी क्लास? +1 आर्ट्स। +1 आर्ट्स। अच्छा, तो आपको क्या अच्छा लगता है इस कॉलेज में? फ्रेंड से मिलना, अटेंडेंस, मोस्टली तो अटेंडेंस के लिए आते हैं हम तो। तो ये लोग अटेंडेंस के लिए कॉलेज में आते हैं, इनको मतलब कॉलेज में आने का मेन पर्पस है अटेंडेंस को पूरा करना। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब आपको दिखाते हैं HMV की लाइब्रेरी। तो आइए मेरे साथ लाइब्रेरी में बच्चों से बात करते हैं कि उनको लाइब्रेरी में बैठना क्यों अच्छा लगता है। आपका नाम? खुशी। आपकी क्लास? BA 1st। अच्छा, तो आपको इस कॉलेज में सबसे अच्छा क्या लगता है? टीचर्स का स्टाफ अच्छा लगता है, उनका स्टडिंग भी अच्छा लगता है, एनवायरनमेंट, आई लव दिस कॉलेज। ओके, और आपका नाम? शिवानी। आपकी क्लास? BA 1st sem। और आपको इस कॉलेज में सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे तो सबसे अच्छी लाइब्रेरी लगती है, वेल मेंटेन्ड एंड सभी बुक्स अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अच्छा है, तो मुझे वैसे टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव है, अच्छे से बात करते हैं, और ग्रीनरी बहुत है, अच्छा है। तो इनको यहाँ पे मतलब सब कुछ ही अच्छा लगता है। चलो कोई तो मिला जिसे सब कुछ अच्छा लगता है। अरे कैंटीन तो बहुत अच्छी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कैंटीन। आपका नाम? कोमल। और आपकी क्लास? +2 आर्ट्स। अच्छा, तो आपको इस कॉलेज में सबसे अच्छा क्या लगता है? वैसे सब कुछ अच्छा लगता है इस कॉलेज में। फिर भी जो सबसे ज़्यादा लगता हो? सबसे ज़्यादा वैसे यहाँ मतलब पंजाब में लड़कियों का स्वभाव है, वो सबसे अच्छा लगता है हमें, ऐसे वो अच्छी है नेचर की सभी। पंजाब की लड़कियों का स्वभाव अच्छा होता है? वैसे सभी का अच्छा है यहाँ पे कॉलेज में, हम जितने से भी मिलते हैं वो अच्छे बोलते हैं, अच्छे हैं सभी बस। अच्छा, आपका नाम क्या है? अनमोल। और आपकी क्लास? +2 आर्ट्स। और आपको इस कॉलेज में सबसे अच्छा क्या लगता है? वैसे सभी अच्छा है, पर फिर भी जो होता है ना कि स्पोर्ट्स वालों को बहुत सपोर्ट करते हैं, वो अच्छा लगता है हमें। आप स्पोर्ट्स से हो? कौन सी गेम है आपकी? एथलेटिक्स 400 मीटर। क्या बात है, एथलेटिक्स वालों के लिए तो मैं वैसे ही बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। आपका नाम? अमृत कौर। और आपकी क्लास? +2। आपको इस कॉलेज में सबसे अच्छा क्या लगता है? यहाँ पे मतलब जो टीचर है वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स वाले होते हैं वो ज़्यादा स्पोर्ट्स में रहते हैं, स्टडी नहीं कर पाते, लेकिन जो टीचर होते हैं वो हमें बता देते हैं कि कैसे अपनी स्टडी को मैनेज करना है या कैसे कौन से टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं। और मेनली मतलब जैसे कोई भी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो वो सपोर्ट करते हैं उस चीज़ में, और बाकी स्पोर्ट्स में भी टीचर जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो ये स्पोर्ट्स हैं और इनका सुन के तो हमें बहुत अच्छा लगा। GMC के बच्चा मिला कोई हमें। अब आपको इस कॉलेज में सबसे अच्छा क्या लगता है? वैसे तो हम अटेंडेंस के लिए आते हैं मेनली, जो मुझे पता है आपको काफ़ी बारी सुनने को मिला होगा, लेकिन हाँ हमारी टीचर्स बहुत अच्छी हैं, मैं बाकी डिपार्टमेंट्स का नहीं बता सकती हूँ, बट हमारी टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, वो हमें सब कुछ सिखाते हैं, हमें बताते भी हैं, और हमारे प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं। कैंटीन तो फिर माशाल्लाह हमारी फेवरेट जगह वही है, कैंटीन में बैठने का जो मज़ा है वो कहीं नहीं आता।
खाना दोस्तों के साथ बैठ के वहाँ पे लूडो खेलनी रोज़, बस यही है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। इनको तो कॉलेज का वैसे सब कुछ ही अच्छा लगता है, इनकी बातों से लग रहा है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे HMV कॉलेज की लड़कियों के व्यूज़ की, उनको ये कॉलेज कैसा लगता है। वैसे मुझे भी ये कॉलेज काफ़ी अच्छा लगता है, और हॉस्टल का खाना भी वैसे अच्छा, लड़कियाँ बहुत कंप्लेन करती हैं पर ऐसा कुछ नहीं है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को याद से लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।